Good morning, dear students. How are you all? I hope you are enjoying your time at home with your parents and family. So, in today's class, what we are doing? We are doing the book reading. Yes, in social studies, we are doing the book reading, which is page number 22 and 23 of social studies. I am Sarah Aleem, your social studies teacher, and I am going to tell you about the new chapter, which is the house. So today we are going to the book. Okay, in the start of the video, do you all see the pictures of houses and the materials which are used in them to build? Yes, you all see it na? Yes, so what is a house? House kya hota hai? Ghar kya hota hai? A place where we all need to live. जहाँ पे हम सब रहते हैं, in the place where we live is called our home. Yes, you are right. वो हमारा घर कहलाता है. Homes are made of different materials like cement, bricks, wood, straw and mud. जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में शो करवाया, ब्रिक्स मड मटीरियल बिग ब्रिक्स सीमेंट स्ट्रॉ वुड, आप लोगों ने पिक्चर में देखा कि वो कैसी चीज़ें बन किसे कैसे बने होते हैं. जी, उन्हीं से ही हमारे घर बनते हैं, जिसके अंदर हम सोते हैं, हम लोग आराम करते हैं, हम लोग सुकून करते हैं. Yes, people live in houses to protect themselves, अपने आप की हिफाजत करने के लिए, कि उनको कुछ हो ना जाए, आराम करने के लिए, रात को अपने घर के अंदर सोने के लिए. इफ़ वी हैव नो हाउस, अगर हमारा घर नहीं होगा, देन वेयर वी कैन स्लीप एट नाइट, रात को हम कहाँ सोएंगे. यस, तो हाउस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू लिव इन. ओके, सम पीपल हैव बिग हाउसेस बट सम हैव स्मॉल हाउसेस. Some have gardens and some have not gardens. Some made of mud houses and some are made of wood and bricks. So, I will teach you about houses. Page number 5 and unit number 3 and chapter number 5, houses. अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल्स. अनम के पास एक घर है अपनी गुड़िया के लिए. येस, दिस इज़ अनम एंड दीज आर हर डॉल्स. येस, हेयर इट इज़, ये घर बना हुआ है. हाउ मैनी स्टोरीज द हाउस हैज़? 3 स्टोरीज. 1, 2, 3. द 3 रूम्स आर हेयर. येस, We all need a place to live in. हमें हम में से हर एक को कहीं ना कहीं रहने की ज़रूरत होती है. The place where we live is called our home. जहाँ पे हम रहते हैं उसे घर कहते हैं. Now, see these questions. The questions. Question number 1. These questions are your oral questions. Do it as orally. How many rooms are there in Anam's doll house? This is Anam's doll's house. How many rooms are there? 3. Yes, you are right. The second one. How many rooms are there in your house? आपके घर में कितने rooms पर हैं? वो आप लोगों ने खुद बताना है कि आपके घर के अंदर कितने rooms होते हैं. The third question is, on which street is or road is your house? आपका street, आपका घर किस street या road पे, वो भी आपको पता होगा कि आप किस street या road पे रहते हैं. Move on to page number 23. Houses, building materials. These are the materials. I told you about the materials, which is cement, bricks, wood, straw or mud. ओके, होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल. घर जो हैं वो अलग अलग मटीरियल्स की तरह से बनते हैं. सम आर मेड ऑफ मड, मट्टी से. दीज आर मड हाउसेस विच आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. विलेजेस में पाए जाते हैं. दीज आर नॉट फाउंड इन सिटीज. ओके, सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स सैंड एंड सीमेंट. सैंड एंड सीमेंट एंड ब्रिक्स से बनते हैं घर जिनके अंदर हम रहते हैं. ये घर
किसी के घर छोटे होते हैं, किसी के घर बड़े होते हैं, किसी के गार्डन होते हैं, किसी के गार्डन नहीं होते, बट ब्रिक्स एंड सीमेंट से जो घर बनते हैं उसमें हम लोग रहते हैं। थर्ड पिक्चर, सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ, कुछ जो हैं वुड एंड स्ट्रॉ से बनते हैं। यस, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ। ओके, द फोर्थ पिक्चर, सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, लोहे से और ग्लास से जो है वो बनते हैं कई घर, जो घरों को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर इज़ अ हाउस इन पोलैंड, पोलैंड में एक घर है दैट इज़ 152 सेंटीमीटर्स वाइड, जो चौड़ाई में 152 सेंटीमीटर्स चौड़ा है एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है। एंड इन जापान, जापान में देयर इज़ अ हाउस, एक हाउस है इन विच ऑल द वॉल्स आर मेड ऑफ ग्लास, जो कि पूरा का पूरा जिसकी दीवारें जो हैं वो शीशे की बनी हुई हैं, ग्लास से बनी हुई हैं। ओके, नाउ सी द ओरल क्वेश्चन, वॉट मटीरियल इज़ द वॉल्स ऑफ योर क्लास रूम मेड ऑफ, आपके क्लास रूम की दीवारें जो हैं वो किस मटीरियल से बनी हुई हैं। डू यू नो इट, वॉट मटीरियल यूज इन योर क्लास। ओके, यस, ब्रिक्स एंड सीमेंट आर यूज टू मेक योर क्लास रूम। ओके क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड डू योर रीडिंग केयरफुली। Thank you so much.